गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। और अभी मैं नीचे आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने फ्रिज के जो बकेट होते हैं, दोनों फ्रिज के मैंने रात ही धोकर रखे हैं, तो इनको मैं हटा रही थी क्योंकि मंदिर है वहाँ पर, मुझे जो है ना पूजा करनी थी। तो अभी जो है ना छत से नीचे आई हूँ जब, तो कई सारे काम थे जो घर के छोटे मोटे होते हैं, मैंने ख़त्म कर लिए। उसके बाद मैंने वीडियो स्टार्ट की है। मतलब ऐसा होता है कि रात में हम नाइट सूट या फिर मैक्सी या फिर गाउन कुछ भी जो भी पहन कर सोते हैं, तो सुबह उठकर जो है ना एकदम से वीडियो बनाना, वीडियो में आना अच्छा नहीं लगता है। और अगर हम नहा धो भी लें सुबह सुबह, तो फिर काम भी जो है ना पड़े होते हैं, तो उनको जो है ना छोड़कर नहा कर एकदम से जो है ना वीडियो बनाना, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जो भी थोड़े बहुत काम थे आंगन में, किचन में, और बाहर जो भी झाड़ू वगैरह लगानी होती है, तो वो मैंने कर लिए हैं। और हाँ, अभी जैसे कमरे तो बंद हैं, कमरे में जो है ना सभी लोग लेटे हैं और सबको जो है ना जगाना भी अच्छा नहीं लगता है सुबह सुबह, तो बाहर बाहर का जो भी झाड़ू वगैरह का काम था मैंने ख़त्म कर लिया है। और उसके बाद नहा भी चुकी थी क्योंकि अभी लोग सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं तब तक पूजा कर लूँ। और पूजा में जो है मेरा कोई स्पेशल रूटीन नहीं है, मैं उतना ही करती हूँ जितना कि मैं हमेशा से कर सकूँ। तो जो नॉर्मल सी पूजा होती है, बस दिया जलाना, धूप जलाना, और उसके बाद जो है ना जल चढ़ाना, तो बस इतना ही होता है मेरी पूजा में। क्योंकि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में टाइम लगता है, अगर हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम भी चाहिए। और मॉर्निंग में इतने सारे काम होते हैं कि टाइम जो है ना बिल्कुल नहीं होता है। और बच्चों के उठने के बाद, हस्बैंड के उठने के बाद, फिर तो सबको जो है ना कुछ चाहिए। तो फिर अगर हम भगवान जी की पूजा ना करें तो फिर कोई मतलब कोई बात नहीं, भगवान जी तो शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन बाकी अगर हम घर में सबके जो है ना डिमांड अगर पूरी ना करें, तो फिर पता नहीं कितनी शिकायतें सुनने को पड़ती हैं। और अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ ये फिश वाला बाउल। ये जो है ना बाहर ही कोई बेचने आया था, तो फिर बच्चों को देखकर जो है ना अच्छा लगा, बच्चे ऐसी चीज़ें देखकर जो है ना मन करता है पालने का, तो फिर उन्होंने जो है ना ले ली। लेकिन जो है ना सुबह उठकर इनका पानी चेंज करना, इनको जो है ना फूड देना, ये काम मेरे हिस्से हो गया, बढ़ गया एक काम और। तो बस मैंने जो है ना सुबह उठकर इनका पानी चेंज किया था, और उसके बाद जो है ना इनको फूड भी दिया। फिर जो है ना मैंने अपने घर के जो काम होते वो किए थे। और गर्मियां है जो है ना, इसका जार का जो है ना बाउल का पानी भी गर्म हो गया था, तो सुबह उठते पहले मैंने यही किया। और रात भर जो है ना चिंता से लगी रहती है, उठ उठ कर इनको देखना पड़ता है कि कहीं मर तो नहीं गई कोई मछली। तो बस जो है ना ये काम ये भी मतलब था जो इन्होंने बढ़ा दिया। तो नहाने के बाद मैं यहाँ पर बैठ गई थी पानी लेकर थोड़ा सा, और सब्जी जो है ना अभी यहाँ पे पॉलीथीन में रखी है जो पापा जी लेकर आए हैं मार्केट से, सुबह ही लेकर आए थे। पास में ही जो है ना मंडी लगती है, तो सब्जी मंडी, तो लेकर आए थे। तब से जो है ना वो दो तीन बार बोल भी चुके हैं कि सब्जी निकाल लो पॉलीथीन से, लेकिन मैं बैठ गई थी क्योंकि नहाया था, बाल धोए थे, तो बस मैं बाल सुखाने लगी थी। और उसके बाद जो है ना क्लेचर लगा लिया है, लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि बैठने से तो सिर्फ टाइम कटता है, काम नहीं होते हैं। काम वो हमें ही करनी है, चाहे हम अभी करें या थोड़ा सा रुक के करें, लेट करें। तो बस यही सोचकर मैं उठ गई थी कि चलो करने तो मुझे ही हैं। तो यहाँ पर जो भी सब्जी मतलब धोने वाली थी वो मैंने सिंक में डाल दी, जो नहीं धोने वाली थी वो मैंने नीचे टोकरी में रख दी है। और अभी चाय रखती है एक साइड में, और एक साइड में कुकर में जो है ना कमल ककड़ी बॉयल होने के लिए रखी है। और यहाँ पर मेरे हाथ में है अरबी, जो कि सुबह जो है ना पापा जी किचन से लेकर गए थे, तो उनको ऐसा कुछ दिखता है तो फिर वो जो है ना सब्ज़ी लेकर चले जाते हैं, छील काट के रख देते हैं। तो जो है ना उन्होंने अरबी छील कर रख दी हैं, और आज कह रहे थे कि मैं बनाऊँगा। उनको जो है ना पसंद है, लेकिन जो है ना वो बनाते नहीं हमेशा, कभी कभार जो है ना मन हो जाता है तो बोल देते हैं, तो आज बोल रहे थे कि मैं बनाऊँगा। और यहाँ पर ये जो है ना कमल ककड़ी जो बलने के लिए रखी थी, ये जो है ना अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, तो इनको भी मैं निकाल कर रख लूँगी अलग बर्तन में। अभी बना रही हूँ थोड़ा सा दलिया, मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा देसी घी डाल के रख दिया है, उसके बाद दलिया डाल दिया है, और उसको जो है ना एकदम लो टू मीडियम पर मैं भून लूँगी अच्छे से। और मेरे घर में जो है ना दलिया आर्यन को बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको अगर मैं डेली की डेली बना के खिलाऊँ तो वो जो है ना मना नहीं करेगा। तो मैंने जो है ना दलिया एकदम मीडियम आँच पर भून लिया है। और इधर मैं बना रही थी जो कसूरी मेथी और
नमक वगैरह डालकर, अजवाइन वगैरह डालकर जो पूड़ी बनती है वो मैं बना रही हूँ चाय के साथ खाने के लिए। तो कसूरी मेथी डाल दी है, थोड़े से मसाले डाले हैं और थोड़ा सा जो है ना मैंने रिफाइंड डाल दिया है। इस तरीके की पूड़ियाँ जो है ना चाय के साथ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये वाली पूड़ी जो है ना मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ, तो मुझे बच्चों के जो है ना स्कूल की याद आ गई, उनके टिफ़िन की याद आ गई, क्योंकि बच्चों के स्कूल के टाइम पर उनके टिफ़िन में ज़्यादातर पूड़ी पराठे ही हम ज़्यादातर देते हैं। तो बस इस तरीके की पूड़ी की मतलब याद आ गई, क्योंकि बच्चे जो है ना डिमांड करते थे कि आज ये ले जाना है वो ले जाना है। हालांकि मतलब पूड़ियाँ अब भी बनती हैं, ऐसा नहीं कि एक साल से जो है ना बच्चों के स्कूल बंद है पूड़ियाँ नहीं बनी हैं, लेकिन जब मॉर्निंग में चाय नाश्ते के साथ बनती हैं तो थोड़ा सा जो है ना स्कूल की याद आ जाती है। तो अभी जो है ना दलिया भी अच्छे से भुन गया है, उसके बाद उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और पानी डालने के बाद उसको ढक दूँगी ताकि जो है ना थोड़ा सा गल जाए अच्छे से। उसके बाद ही उसमें मैं दूध और चीनी डालूँगी और तब तक इधर जो मैंने आटा रखा है नमक मिर्च डालकर मेथी वगैरह डालकर, तो उसको मैं जो है ना गूँथ लूँगी अच्छे से। तो बस थोड़ा सा टाइट ही गूँथूँगी, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं नॉर्मल, उससे थोड़ा सा जो है ना टाइट रखूँगी। इससे जो है ना थोड़ी सी पूड़ियाँ क्रिस्पी बनती हैं, खस्ता बनती हैं। तो चाय भी मैंने एकदम गैस कम कर दी है, तो जब तक चाय उबल रही है तब तक जो है ना आटा भी लग जाएगा। और इधर जो है ना चाय भी उबल चुकी है, तो उसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ और उसके बाद जो है ना मैं दलिया भी खोल कर चेक करूँगी, क्योंकि जो है ना पानी डाल के रखा है तब से मैंने उसको चेक नहीं किया था। तो अभी जो है ना ढक्कन हटाया है तो उसमें पानी एकदम से जो है ना सूख गया है। तो अभी जो है ना दूध और चीनी भी डाल दूँगी, क्योंकि फिर जो है ना दलिया थोड़ा सा गलता भी है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको गलने में। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया है, चीनी डाल दिया है और उसके बाद जो है ना उसको ढक दूँगी थोड़ा सा जो है ना और ठीक हो जाए। और यहाँ पर मैं 4-5 बादाम काट के डाल रही हूँ और चाय उबल गई है, तो उसको मैंने मलाई वाले भगोने में छान लिया इस तरीके से। तो उसको भी जो है ना थोड़ी देर उबाल लूँगी, इससे जो है ना मलाई छूट कर सारी चाय में मिल जाएगी। और उसके बाद इधर मैंने यहाँ पर जो है ना पूड़ियाँ भी तलनी शुरू कर दी हैं। तो यहाँ पर जो है ना नाश्ता बनने के बाद सब लोगों ने खा भी लिया था, मैं भी खा चुकी हूँ और उसके बाद मैं लग गई थी काम में। और उस वाले फ्रिज में जो बास्केट थी वो मैंने लगा दी थी, लेकिन इस वाले फ्रिज का नीचे का जो पोर्शन था वो थोड़ा सा गंदा है, इस वजह से मैंने उसको नहीं लगाया था। तो अभी नाश्ता करने के बाद मैं उसको अच्छे से जो है ना साफ़ कर रही थी कपड़े से। और इस वाले फ्रिज में बस कोल्ड ड्रिंक ही कोल्ड ड्रिंक है और मुझे जो है ना इस वाली बास्केट में कोल्ड ड्रिंक लगानी थी। कल जो है ना शाम में जब 10 रुपये वाली जो छोटी वाली बोतल होती है ना, तो वो ठंडी नहीं थी और कस्टमर वापस हो गया था। तो फिर जो है ना शाम में मुझसे कहा गया था कि लगा दो और 2-4 बातें भी सुनने को मिली थी, लेकिन फिर मैंने शाम हो चुकी थी, मैंने जो है ना थोड़ा सा वो नहीं लगाया कि चलो मैं रात में लगा दूंगी, लेकिन रात में भी मैं भूल गई थी। तो अभी सुबह जो है ना फिर से मुझे याद आया था, तो ये वाला काम तो ज़रूरी था, अगर मैं अभी नहीं लगाऊंगी तो फिर मुझे जो है ना फिर 2-4 बातें सुनने को पड़ेंगी। तो यहाँ पर बस 2 पेटी मैंने जो है ना कोल्ड ड्रिंक जो छोटी वाली होती है वो मैंने लगा दी थी। और जो है ना ठंडी बोतल आते हैं लोग तो ठंडी ही मांगते हैं एकदम से, और चिल्ड नहीं मिलती है तो फिर वो जो है ना वापस हो जाते हैं, नहीं लेते हैं। और बाहर तो मतलब रखी है लेकिन चिल्ड बोतल पीने के लिए तो ठंडी ही चाहिए। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने लगा दी थी बोतल और ये जो है ना फ्रिज पूरा कोल्ड ड्रिंक से भरा है, तो जब भी खोलो तो पीने का जो है ना मन करता है। फिलहाल मतलब बच्चे तो ज़रूर पीते हैं, वो 24 घंटे में उनको एक बार तो पीना ही पीना है। और मेरे घर में जो है ना आर्यन नहीं मानता है, जो मेरा बेटा है उसको जो है ना वो जब दिन में उसको मना कर दो तो फिर वो रात को निकाल के पी लेता है, जब सभी लोग सो जाते हैं तो फिर वो निकाल के पी लेता है, बिल्कुल नहीं मानता है। कितना भी उसको मना करो कि सेहत के लिए अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी नहीं मानता है। और अभी मैं आ गई थी किचन में, बर्तन पड़े थे नाश्ते के वो भी धोने थे, और जब तक जो है ना मैं नाश्ता कर रही थी और फ्रिज में बोतल लगाई तब तक जो है ना पापा जी ने सब्जी भी तड़क दी थी जो अरबी की छील के रखी थी, तो उन्होंने जो है ना सब्जी बना दी है। उसके बाद जो है ना बर्तन भी जितने थे मैंने सारे खाली कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन था ब्रेकफास्ट का वो जो है ना यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, क्लीनिंग भी हो चुकी है, सब्जी भी बन गई है। तो बस मुझे अब रोटियाँ बनानी हैं
और यहाँ पर जो है ना बर्तन भी फिनिश हो चुके थे, धो दिए मैंने, तो बस किचन क्लीन करना है। और आज का आप लोगों का ये जो है ना, आप लोगों के साथ मैंने छोटा सा अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट रूटीन शेयर किया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, अगले ब्लॉग में कुछ नए रूटीन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट बनता है।